भैगोपाल मंडल की राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ी बनियान में घूमने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि नेताओं को राजनीति में उच्च मर्यादा स्थापित करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि गोपाल मंडल ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, उन्हें पूरे कपड़े पहनने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे तो घर में जो कपड़े पहने, लेकिन ट्रेन किसी का घर नहीं होता। विधायक के ऐसा करने से बिहार की छवि धूमिल हुई है। सार्वजनिक जगह और जीवन में मर्यादा का पालन सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। दरभंगा एयरपोर्ट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मिथिला इलाके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत कुछ दिया है। एयरपोर्ट मिलने से इस इलाके को काफी लाभ हुआ है। एम्स मिलने से सीमांचल और मिथिला क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मिथिला का इलाका अब तक उपेक्षित था, मोदी जी ने वहां पर सुविधाएं देकर मिथिला का ध्यान रखा है। अब तो दरभंगा एयरपोर्ट पटना को भी पछाड़ रहा है। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगाया था, पैसा उगाही का, और कल वह राजधानी एक्सप्रेस में चड्डी और बनियान में घूम रहे थे। जब यात्रियों ने उनको टोका तब उन्होंने यात्रियों के साथ गाली गलौज की। देखिए, ट्रेन तो घर नहीं होता, ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने केबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि कोई बिहार की छवि पे असर न पड़े। आपको नहीं लगता कि बेशरम विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने तो कह दिया, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कोई कोई बहाना कुछ बोल करके। डिप्टी सीएम पर भी इस तरह से बयान देते हैं। कुछ दिन पहले आपके डिप्टी सीएम पर भी उन्होंने पैसा उगाही का आरोप लगाया था। हमारे डिप्टी सीएम बहुत मेहनती, ईमानदार और एक साफ सुथरे इंसान है और बेहतरीन काम वो कर रहे हैं, और बाद में उनके लिए सारे विषय पर उन्होंने अपना बयान दिया था, गलतफहमी हो गई थी। गोपाल मंडल पे कार्रवाई होने के लिए आप मांग करेंगे कि इस तरह का ना करें या कुछ और दिया? मैंने तो जवाब दिया ना, रिपीट कर रहे हैं। सलमान जी तो बोले कि राजनीति में उच्च मर्यादा स्थापित करनी चाहिए राजनीति को। सलमान जी, आप एक व्यक्ति के हिसाब से एयरपोर्ट जो है वो पटना एयरपोर्ट को पछाड़ दिया है, वहाँ पे देखिए मिथिला में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एयरपोर्ट दिया, उससे कितना लाभ हुआ है। पटना पे भी दबाव कम हो गया है, तो उसका ज्यादा हो गया, पटना से ज्यादा हो गया। ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि वो इलाका तो कोसी सीमांचल और मिथिला का इलाका बहुत उपेक्षित था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब महासेतु बनाया था तो वो इलाके में चार चांद लगा। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ ये दे दिया एयरपोर्ट, नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया वहाँ पर एम्स, तो मिथिला में की राजधानी है वो दरभंगा, और पूरा मिथिला सीमांचल के लोग आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट बिहार में बने उसके लिए प्रयास है। हमारे क्षेत्र में भी भागलपुर में लोग मांग कर रहे हैं, मैंने तो एक बार टीम भी मंगाई थी, लेकिन वहाँ लोग प्रचार कर दिया था कि मकाने टूट जाए, तो बड़ा टीम को दिक्कत हुई थी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।